इटली ने रविवार को कोरोना वायरस से मौत के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान दर्ज किया। इससे ज्यादा मौत चीन में हुई है। इटली के बाद दक्षिण कोरिया का नाम है, जहां कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इटली की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार हार्डबोर्न लोम्बार्ड्री क्षेत्र में अधिकांश मौतें सामने आई हैं, जहां संख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई है। रविवार को यह संख्या 133 से बढ़कर 366 तक पहुंच गई। इटली में चीन के बाहर अब तक सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। यहां एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 1492 से बढ़कर 7375 पर पहुंच गई है। उधर दक्षिण कोरिया में वर्तमान में 7313 मामले सामने आए हैं और वहां रविवार को संक्रमण की दर भी धीमी दर्ज की गई। इटली की नागरिक सुरक्षा एजेंसी प्रमुख एंजेलो बोरेली ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए 220 लाख सर्जिकल मास्क का ऑर्डर दिया जा रहा है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।